आशीष, वेलकम बैक टू अखाड़ा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा होने वाला है रेंज ऑफ मोशन के ऊपर। जिम में जनरली आपने देखा होगा कई लोग हाफ स्क्वाट मारता है, कई लोग फुल स्क्वाट मारता है, पूरा डीप डाउन, जिसको हम ATG भी कहते हैं, एच टू ग्रास स्क्वाट। तो अगर मैं जो हाफ स्क्वाट मारता है उनको बोलूं कि तुम फुल मारो पूरा नीचे बैठ के ATG स्क्वाट, तो बोलते हैं नहीं हम 100 kg पे मार रहे हैं या 200 kg पे मार रहे हैं, हम तो नहीं मारेंगे भाई, 90 पे ही मारेंगे। तो मैं बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, रीजन बताता हूँ कि हमें कौन सी माननी चाहिए, कौन सी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो देखते हैं, तो जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा गोल होता है मसल ब्रेक डाउन, मसल को ब्रेक करना। मसल कब ब्रेक होगी, जब मसल वर्क डन करेगी, ठीक है। जैसे कि हम सबको पता है वॉल्यूम होता है हमारा वर्कआउट का वॉल्यूम, रैप्स इंटू सेट्स इंटू लोड इंटेंसिटी, यानी ठीक है इंटेंसिटी हो गई सपोज जितना वेट हम कैरी कर रहे हैं, यानी सपोज हम बेंच प्रेस लगा रहे हैं 100 kg पे, तो 100 kg हमारी इंटेंसिटी हो गई, हमारा लोड हो गया। इसमें रेंज ऑफ मोशन हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हम फुल रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, मगर डिफरेंस कहाँ पर आता है अब मैं बताता हूँ। हम सबको पता है वर्क डन हो गया हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो गया हमारा लोड, जितना हमने लोड कैरी किया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट हो गई हमारी रेंज ऑफ मोशन। यहाँ पर रेंज ऑफ मोशन इन्वॉल्व हो जाता है, हमें यहाँ से पता चलिए कि वर्क डन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वॉल्यूम के, यानी जितना ज्यादा मैं वर्क डन करूंगा उतना ज्यादा मेरा वॉल्यूम पुट ऑन होगा। वो कैसे कि सपोज मैंने रैप्स बढ़ा दिए या सेट्स बढ़ा दिए या इंटेंसिटी बढ़ा दी, तीनों में से कुछ भी बढ़ा दिया, तो मेरा वॉल्यूम इफेक्ट होगा। वॉल्यूम इफेक्ट होगा क्योंकि मैंने लोड बढ़ाया हुआ है, ये रेंज ऑफ मोशन दोनों में से मैं कुछ भी बढ़ाऊं तो मेरा वर्क डन इफेक्ट होगा, ठीक है। तो वर्क डन हो गया मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के, ठीक है। सपोज कि मैं शोल्डर प्रेस लगा रहा हूं, ये मैं हूं, ये बार है, ये मेरी हो गई इनिशियल पोजीशन, और यहां पर मैं फाइनल पोजीशन ड्रॉ करता हूं, ये मैं हूं, ये मेरे आर्म्स और ये वेट, ठीक है। और फाइनल के बीच का जो डिफरेंस होगा मेरा लेंथ पे, ये हो गया मेरा रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। ये रेंज ऑफ मोशन हो गया। सपोज मैं मान लेता हूं कि मैंने शोल्डर प्रेस में 1 meter ऊपर प्रेस किया, मेरी रेंज ऑफ मोशन हो गया 1 meter, ठीक है। अगर मैं 1 meter को फर्दर डिवाइड करता हूं 10 units में, तो ये बीच में मेरा 5 units हो गई, यहां से 0 to 5 और 5 to 10, ठीक है। ये मैंने 10 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब दो कंडीशन ले लेते हैं या दो केसेस ले लेते हैं। पहला केस है मेरा जिसमें मैं हाफ रैप लगा रहा हूं शोल्डर प्रेस में, ठीक है, यानी 5 units तक मैं जा रहा हूं। सेकंड केस हो गया मेरा जिसमें मैं फुल रेंज ऑफ मोशन यूज कर रहा हूं, यानी 10 units तक मैं जा रहा हूं, ठीक है। लोड मेरा दोनों केसेस में सेम है। अब देखो मेरा वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहले केस के लिए फोर्स मान लो 50 kg मैंने यूज किया हुआ है, 50 × 5 units। सेकंड केस में हो गया 50 × 10 units, ये कितना हो गया 250, ये 500। तो वर्क डन में डिफरेंस देखिए आपने सीधा ट्वाइस हो जा रहा है, ठीक है, 250 का ट्वाइस मेरा 500 हो गया, सीधा वर्क डन हाफ हो जा रहा है मेरा, ठीक है, वो भी सिर्फ एक रैप के लिए। अब मैं यहां पर और रैप मारता हूं, क्योंकि शोल्डर प्रेस में सपोज हम 1 rep मैक्स नहीं ले रहे हैं अपना, ठीक है, मैं वर्कआउट कर रहा हूं जनरली 10 reps का। अब अगर मैं इसमें 10 reps मारता हूं तो मेरा वर्क डन कितना हो गया 2500 joule एनर्जी की फॉर्म है, और यहां पर कितना हो गया 5 joule। तो डिफरेंस देख लो कितना। तो अब आप देख सकते हो कि हमें हाफ रैप मानना चाहिए कि फुल। अब मैं एक और केस आपको बताता हूं जिसमें हम लोड ज्यादा लेंगे, ठीक है, और दूसरे केस में लोड कम लेंगे।
ठीक है। पहले केस में सपोज मान लेते हैं, हम स्क्वाट का केस ले लेते हैं, एटीजी स्क्वाट और 90 डिग्री स्क्वाट, ठीक है। पहले केस में उनके लिए बोलता हूं मैं, जो बोलते हैं कि हम 100 केजी मार रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, दूसरा बोलता हम 80 मार रहे हैं, तो 100 वाला बोलता कि मेरा भारी है तो मैं आधा ही मारूंगा, आधा रहे, ठीक है उनके लिए ये। पहले केस में मैं मान लेता हूँ 100 केजी मेरा लोड है, ठीक है। सेम यही ले लेते हैं कि जब मैं नीचे बैठा तो ये मेरी पोजीशन है, और जब मैं ऊपर उठ रहा हूँ तो ये मेरी फाइनल, ये मेरी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन स्क्वाट के टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ स्क्वाट वालों के लिए मैं ले लेता हूँ 5 यूनिट्स, और फुल स्क्वाट वालों के लिए ले लेता हूँ मैं लोड 80 केजी और 10 यूनिट्स, ठीक है वन रैप के लिए। तो वन रैप के लिए मेरा वर्क डन आता है 500 न्यूटन, ठीक है। और 80 केजी जिन्होंने लिया था उनके लिए मेरा आता है 800 जूल। अब देख लो आप, ये सिर्फ एक रैप का डिफरेंस है, इसने वर्क डन ज्यादा करा, कोई दिक्कत नहीं है 80 केजी उठाया मगर वर्क डन उसने ज्यादा किया, वो भी सेम सिर्फ एक रैप के लिए, ठीक है। सेम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं सिर्फ एक रैप के लिए, देख लो आप कितना डिफरेंस आ गया, वो भी सिर्फ एक रैप के लिए। अगर मैं रैप्स बढ़ा देता हूं, सपोज मानता हूं मैं 10 रैप्स इन्होंने परफॉर्म किए, तो इनटू 10 ये हो गया मेरा 5000, ये हो गया मेरा 8000। अब डिफरेंस देख लो आपके सामने कि वर्क डन किसने ज्यादा किया। अब जो भी आप बोल, फिर से आपके सामने कोई बोले कि मेरा लोड ज्यादा है, मैं 100 केजी मार रहा हूं या 200 केजी मार रहा हूं, तो मैं 90 मारूंगा, तो उसको बोलना कोई बात नहीं, तू 90 मार, मैं कम लूंगा लोड मगर मैं वर्क डन तुझसे ज्यादा लगूंगा, ठीक है। तो डिफरेंस आपने देख लिया होगा, अगर हम हाफ रैप लेते हैं या कंप्लीट रैप लेते हैं तो कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, एक रैप में ही इतना डिफरेंस आ जाता है। तो जब हम और ज्यादा रैप्स लेंगे या फिर सेट्स भी बढ़ाएंगे तो कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो आपने देख लिया रेंज ऑफ मोशन मेरा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है वर्क डन को, और वर्क डन मेरा इफेक्ट करता है वॉल्यूम को, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है। तो अब देख लिया होगा आपने, रेंज ऑफ मोशन मेरा इनडायरेक्टली वॉल्यूम को अफेक्ट कर रहा है, यानी अगर मैं रेंज ऑफ मोशन अपना सही रखूं, कंप्लीट रखूं, तो मेरा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इंक्रीज किस केस में होगा, अगर मैं पहले केस में हाफ रैप ले रहा हूं, यानी मान लो मैंने 3 महीने का वर्कआउट चलाया, 3 महीने में हाफ रैप लेता रहा, मगर जो बाद में मैंने वर्कआउट चलाया उसमें मैं फुल रैप लेता रहा, तो डेफिनेटली रैप्स और सेट्स ऑफ इंटेंसिटी अगर मैं सेम रखता हूं शुरू के 3 महीने भी, लास्ट के 3 महीने भी, तो लास्ट के 3 महीने मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि मैंने रेंज ऑफ मोशन पे वर्क किया है, यानी रेंज ऑफ मोशन अपना बढ़ाया है। तो आपने देख लिया होगा कैसे छोटी छोटी चीजें हमारा बहुत फायदा करा देती हैं, यानी वर्क डन मेरा जितना ज्यादा होगा उतना मेरा मसल ब्रेकडाउन ज्यादा होगा। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस।